दुनिया में विभिन्न बीमारियों का आक्रमण हो रहा है। एक बीमारी खत्म हुई नहीं कि दूसरी भयानक बीमारी से मनुष्यों का सामना हो रहा है, जिसका असर इंसान की रोग प्रतिकारक शक्ति पर हो रहा है। इंसान शारीरिक रूप से तो अशक्त हो ही रहा है, लेकिन बढ़ती बीमारियों के डर से मानसिक रूप से भी अशक्त हो रहा है। ऐसे में सिकल सेल और थैलेसीमिया से बचने के लिए थैलेसीमिया और सिकल सेल फ्री इंडिया के तहत थैलेसीमिया एंड सिकल सेल सोसाइटी ऑफ इंडिया की ओर से ब्लड मैच ऐप का निर्माण किया गया है। आज इस नए ऐप का उद्घाटन आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के हाथों किया गया। इसे धीरे दिया जा रहा है और कुछ बीमारियां ऐसी होती है जिसका हमारे जन्म के साथ ही जन्म होता है, जिसे हम अनुवांशिक बीमारी कहते हैं। इन्हीं में से एक है थैलेसीमिया और सिकल सेल जैसी बीमारी। थैलेसीमिया की अगर बात करें तो बीमारी में पीड़ित को जिंदगी भर रक्त देने की आवश्यकता पड़ती है और जैसे जैसे उम्र बढ़ती है रक्त की आवश्यकता भी बढ़ जाती है। थैलेसीमिया बीमारी की कई जांच और दवाइयां महंगी होती हैं। ऐसे में दर्द के साथ परिवार को आर्थिक तंगी से भी गुजरना पड़ता है। इस बीमारी का फिर अगर कभी भविष्य में सामना ना करना हो और इसे रोकना हो तो बस एक ही उपाय है, शादी से पहले हर लड़के लड़की की थैलेसीमिया माइनर की जांच अवश्य कर लेनी चाहिए, क्योंकि जब एक थैलेसीमिया माइनर पुरुष एक थैलेसीमिया माइनर स्त्री से विवाह करता है तो उनको होने वाली संतान को थैलेसीमिया मेजर जैसी घातक बीमारी हो सकती है। इसी तरह काफी हद तक सिकल सेल है, यह भी एक अनुवांशिक बीमारी है। इससे पीड़ित रोगी को जिंदगी भर शरीर में वेदना होती है। हेमोग्लोबिन की मात्रा कम होने की वजह से उन्हें रक्त देने की भी आवश्यकता पड़ती है। अधिकतर ये बीमारी अनुसूचित जाति, जनजाति और आदिवासी लोगों में पाई जाती है। थैलेसीमिया जैसे ही सिकल सेल डिजीज में भी एसएस पैटर्न का बच्चा तभी पैदा। प्रोग्राम बनाकर अगर हम चलते हैं तो मुझे लगता है कि 10 साल में ये सारा टेस्टिंग वगैरह ठीक करके सबको इसकी जानकारी देके कि इसका प्रिवेंशन कैसे करना चाहिए, हम धीरे धीरे इस जीन को और प्रवाह में आने से या पति और पत्नी का जीन एकत्र आने से रोक सकते। ये अगर हो जाए तो कौन बताए विज्ञान कब कैसी पलटी लेगा। आज तक इसका क्योर नहीं मिला है, लेकिन अब कई प्रकार की टेक्नोलॉजी ऐसी विकसित हो रही है कि अगर यानी जेनेटिक मेडिसिन भी आ रहा है उसके चलते इस बीमारी का कोई क्योर भी निकल जाए। लेकिन ध्यान में रखने की बात यह है कि ऐसे क्योर्स निकलते बहुत महंगे होते हैं, स्वाभाविक रूप से करने वाले का दोष नहीं है। ज्ञान नया है, तंत्र नया है और महंगा है। बॉस ने मीटिंग बुलाई। बाहर बाहर उठो बैठो। तकलीफ उठने बैठने की नहीं, तकलीफ बवासीर की है। बवासीर, फिशर, भगंदर, पाइलोनियल साइंस का आयुर्वेद तथा आधुनिक लेजर से उपचार। कॉल और विजिट करें www.pilesfistulacure.com।